वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैं भी थोड़ी बहुत अच्छी हूँ, ज़्यादा तो अच्छी तबीयत मेरी हुई नहीं है, बट हो जाएगी, कोई बात नहीं। और अभी मैं कट कर रही हूँ सब्ज़ी और ये व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ ऑलमोस्ट एक हफ्ते बाद। एक हफ्ते बाद फाइनली मेरा व्लॉग शूट करने का जो मुहूर्त है वो निकल चुका है। तो सब्ज़ी काटने से शुरुआत कर रही हूँ। आप सभी को पता है कि कुछ दिनों से मेरी तबीयत सही नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से व्लॉग्स नहीं आ पा रहे थे, बट कोई नहीं, आज फाइनली आया है। तो इसमें भर भर के प्यार और सपोर्ट करिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट्स करिएगा। तो आज मैं बनाने वाली हूँ आलू गोभी टमाटर की रस्सेदार सब्ज़ी, तो उसी के लिए कट कर रही हूँ। और गोभी ना मुझे थोड़ी सी ख़राब सी लग रही थी, तो मैं बहुत ही बारीकी से इसको देख करके कट कर रही हूँ, क्योंकि अभी बरसात का टाइम स्टार्ट हो गया है। आना क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो? उसने मुझसे 10 चांस किलो आलू डाल सेट की, मेरे मन का निकल गया। यशी दीदी के साथ खेल क्यों नहीं रहे हो? खेल लेना, थोड़ी देर दीदी कह रही है तो खेल लो। इन दोनों में चल रही है लड़ाई, क्योंकि यशी ने खिलवा लिया अपने मनपसंद का गेम आयना से, आयना के मनपसंद का गेम यशी खेल नहीं रही है, इसलिए दोनों की हो गई है लड़ाई ना बच्चे। यहाँ पे चल रही थी आयना यशी की लड़ाई, फाइनली सॉल्व हो गई है। अब मैं चल रही हूँ किचन में सब्जी लेकर के बनाना शुरू करती हूँ सब्जी। गैस ऑन कर लूँ और आप देखिए गैस को मेरी फिर से प्रॉब्लम हो गया। एक्चुअली 3 दिन से ना मैंने कुछ काम यहाँ पे किया नहीं है, हस्बैंड दूध वगैरह बॉयल कर रहे थे तो उनसे मिस्टेक से शायद गिर गया होगा एक आध बार, तो गैस में ही गिर गया था। तो ये उसके बाद फिर से ये धीमी चलने लगी और दोनों बर्नर मेरे ऐसे ही चल रहे हैं। रोटियां तो इसमें सेकते ही नहीं बन रहा था, इतनी मुश्किल से एक रोटी जा करके सिकी है। अभी बाद में आप देखिएगा जब मैं रोटी सेकूंगी, अभी तो पहले सब्जी बना ले रहे हैं। गोभी पहले अच्छे से फ्राई कर ले रही हूँ, जब ये फ्राई हो जाएगी तो सब चीज़ें मिक्स कर देंगे, फटाफट बनाएंगे। और इतनी मुश्किल से ये बना था, मतलब इधर वाली में मैंने चढ़ाया क्योंकि वो वाली तो और धीमी चल रही थी, इसलिए मैंने इधर रख दिया है। अब इधर भी बाद में ना वो स्लो ही हो गई थी, तो बड़ी मुश्किल से तो मैंने इस दिन खाना बनाया। अब इसमें ऐड कर दिए हैं टमाटर, अब आलू ऐड कर दे रहे हैं और बाकी जो मसाले हैं वो सब ऐड कर देंगे। और क्या है ना कि तबीयत सही नहीं थी तो बहुत मतलब मेहनत लग रही थी इतना थोड़ा सा खाना, सिंपल सा खाना बनाने में। और किचन भी आपको थोड़ी फैली हुई बिखरी हुई नज़र आ रही है, क्योंकि बहुत मतलब बहुत दिनों से मैंने किचन का काम नहीं संभाला है, इसीलिए फैल गई है। और अब मैं आटा लगा ले रही हूँ, आटा लेके आ गई हूँ बाहर लॉबी में, यहीं पे लगाऊंगी आराम से, थोड़ा हवा भी लगती जाएगी और रिलैक्स होके लगाऊंगी। तो आटा लगा लिया, अब चढ़ा देते हैं राइस। राइस कुकर में बनाने वाली हूँ। हे गर्ल्स, मैं आज आप सभी के कुछ डॉट्स क्लियर करने आई हूँ। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या तुम पीरियड में योगा कर सकती हो, तो मेरा आंसर होता है ऑफ कोर्स यस, मैं कर सकती हूँ। इवन पीरियड में योगा काफी हेल्पफुल होता है, स्पेशली अगर पीरियड में डिसकंफर्ट सिम्टम हो तो। पीरियड आपके रेगुलर रूटीन को बिगाड़ देता है, बट योगा और एक्सरसाइज आपके पीरियड पेन को कम करने में बहुत हेल्पफुल होता है। ये सच है कि पीरियड की वजह से कुछ योगा पॉजेस करने में प्रॉब्लम होती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम योगा और एक्सरसाइज करना ही बंद कर दें। एक स्टडी में तो ये भी पाया गया है कि जो लेडीज हफ्ते में 2 बार योगा करती हैं तो उनको पीरियड पेन में रिलीफ मिलता है और उनकी फिजिकल फिटनेस भी इम्प्रूव होती है। लेकिन अगर आपके पीरियड आपके योगा और एक्सरसाइज की रूटीन में रुकावट लाते हैं तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि हम यूज कर सकते हैं एवर्टीन का मेंस्ट्रुअल कप, जो यूज करना बहुत ही इजी, बहुत ही आसान है और अफोर्डेबल प्राइस पे है। हम उसे 12 घंटे तक यूज कर सकते हैं, उसमें कोई लीकेज प्रॉब्लम नहीं होती है। इसे बनाया गया है 100% मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन से, और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इससे स्किन इरिटेशन नहीं होगा। और इसे हम 10 साल तक यूज कर सकते हैं और ये पॉकेट फ्रेंडली भी है, मतलब आप एक बार खरीदिए और 10 साल के लिए एकदम। मुझे पूरा यकीन है कि आप एवरटीन के मेंस्ट्रुअल कप के साथ वो सारी एक्टिविटीज कर पाएंगे जो आप नॉर्मल डेज में। अब पूरी दुनिया की लाखों लेडीज सैनिटरी नैपकिन पैड्स को छोड़ करके मेंस्ट्रुअल कप में आ चुकी हैं,
तो अब आपकी बारी है, आप भी मेंस्ट्रुअल एवरटीन का मेंस्ट्रुअल कप यूज करें। इस योगा डे पे मैंने इनिशिएटिव लिया है कि एवरटीन के साथ मिल करके सबको अवेयर करना है एंड सभी लेडीज और गर्ल्स एवरटीन का मेंस्ट्रुअल कप यूज करें। अभी सब्जी पक ही रही है तो मैंने सोचा कि चलो बाहर थोड़ा सा टहल के आ जाते हैं, अच्छा लगेगा। तो अभी बालकनी में ही थोड़ा वॉक कर रही हूँ और देखिए मौसम कितना ज्यादा अच्छा था, बट कोई भी नहीं दिख रहा है, एक इंसान नहीं दिखा मुझे यहाँ पे, ना ही पार्क में ना ही रोड में कोई नहीं था। मैं थोड़ा टहल ली क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था, बारिश हुई थी ना कुछ देर पहले। और ये देखिए वॉशिंग मशीन मेरी, कितने सारे कपड़े इसमें ऊपर तक पूरे फुल हो गए हैं। अब ये कब मैं वॉश करूंगी, तबीयत खराब होने की वजह से इतने सारे इकट्ठे हो गए। मम्मा की तबीयत खराब थी, आपको कैसा लगा? गंदा। गंदा लगा? हाँ। आप तो मम्मा से प्यार भी नहीं करते। आपको कैसा लगा मम्मी की तबीयत खराब थी? गंदा। ये कम है, ये पता नहीं कितना बैग बुक, बस वीडियो में लग रहा है, बस वीडियो में लग रहा है। हाँ। और फैला कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। ये बुक्स वगैरह नहीं पड़ी यहाँ पे इतना बैग। खाना तो वैसे मैंने बना लिया है, सब्जी भी बन गई है और आटा लगा दिया है, चावल बन गए, रोटी बनाने जा रही हूँ। हस्बैंड सो रहे हैं, अभी उठेंगे तो फिर खिलाऊंगी सबको। और यशी लोग को मैंने कह दिया सामान फैला हुआ है तो रखने लग गई है। एक ही लखा है क्या, दिखा दे क्या मम्मा? कुछ भी तो नहीं फैला है। कुछ भी नहीं फैला ना। हाँ। कुछ भी नहीं फैला, फिर मुझे क्यों कर ली थी? डेढ़ बज चुके हैं और अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ रोटियां बनाना, क्योंकि बच्चों को लग चुकी है भूख और मुझे भी लग गई है। हिम्मत तो नहीं हो रही थी बट किसी तरह आज बनाया है, क्योंकि बहुत दिन हो गए बाहर का खाना खाते खाते, अब मन भर गया एकदम बाहर का खाना खाने से। तो घर में भी जैसे वैसे ना सब्जी अच्छी बन गई थी, मुझे लग रहा था पता नहीं कैसी बनेगी क्योंकि, लेकिन अच्छी बन गई थी। अब मैं रोटियाँ बना लेती हूँ और आप सभी भी आ जाइए इतने दिनों बाद मेरे हाथ का खाना खाने के लिए। और गैस भी बहुत धीमे चल रही है तो धीरे धीरे सीखेंगी एकदम चूल्हे की स्टाइल में, जैसे चूल्हे में धीमे धीमे खाना पकता है ना, तो वही हाल आज मेरे गैस के भी हैं, धीमे धीमे पक रहा है, धीमे धीमे बनेगा खाना पूरा। हो गया पूरा रेडी, अब लगा देते हैं सबके लिए। सब्जी रख रही हूँ, राइस, रोटी, और रायता मैंने बनाया नहीं है क्योंकि मौसम ठंडा है और तबीयत भी सही नहीं है, इसलिए मैंने रायता आज नहीं बनाया है, राइस बनाए हैं मस्त। तो आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ। हस्बैंड अभी सो रहे हैं इसलिए उनके लिए अभी मैं नहीं लगा रही हूँ, अभी आयना के लिए, अपने लिए और यशी के लिए लगा रही हूँ। तो चलते हैं बाहर हॉल में और वहीं पर बैठ के खाएंगे मस्त, आप लोग भी आ जाइएगा। और ये देखिए आयना यशी आ गई हैं और पता नहीं क्यों आयना का मूड ऑफ है। कान के ऊपर लगाओ। ये अनार, बला से आम, छोटी इसे इमली। तो लंच तो सबका हो गया है और अभी मैं लेटी हुई हूँ क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही है बैठने की, तो फिर मैं लेट गई हूँ और अब आराम करूँगी थोड़ी देर के लिए। और मुझसे जैसी वीडियो बन पा रही है वैसी मैं शूट कर रही हूँ किसी तरीके से, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे डेली वीडियो अपलोड करनी है इसलिए मैं कर रही हूँ। और ये क्या है? अब इससे आएगी ताकत? अब मुझे ये पीना पड़ेगा एनर्जी ड्रिंक लाने के लिए, इतनी वीकनेस आ गई है, मॉन्स्टर एनर्जी, पता नहीं क्या है ये। ला बेटा दिखाना। मुझे पीना है। पिलाएंगे अभी, दिखा पहले। स्ट्रेचर होल्डिंग भी आती है। अभी मेरा जो तबीयत है वो अभी पूरी तरीके से सही नहीं हुआ है और वीकनेस भी नहीं गई है, तो मेरे लिए ये लाया गया है मॉन्स्टर एनर्जी। अब पता नहीं ये क्या है, मैं पी के देखती हूँ फिर आप लोग को बताती हूँ कि मुझे इसको पीने के बाद कैसा लगा। मुझे टेस्ट बताना कैसा है। ठीक है, बता दूंगी टेस्ट कैसा है। ओके, अगर गंदा हुआ ना मैं उसको, अगर मेरे मैं बड़ी हो गई और मुझे भी ऐसी तबीयत हो गई तो फिर मैं नहीं ये पीने वाली।
आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। वीडियो को लाइक करिएगा और प्यारे प्यारे ढेर सारे कमेंट करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।